फ्रेंड्स, रिसेंटली बजाज ने पल्सर इन 160 के ऊपर टोटल दो नया कलर स्कीम लॉन्च करा है। यहाँ पे एक कलर आप देख पा रहे हो पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर, जो आपको पल्सर इन 150 में देखने को मिला था, और एक कलर यहाँ पे आपको आई गेस दिख रहा होगा इसका पीछे, ये आप देख पा रहे हो पोलर स्काई ब्लू कलर। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे लाइव है। ये कलर कैसा है वो आपको अगर देखना है तो डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। यह है आपका पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर, जो आपको पल्सर इन 150 में भी देखने को मिला था, तो वही सेम कलर जो है पल्सर इन 160 में भी आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा स्टिकरिंग में थोड़ा सा बदलाव की गई है, मतलब स्टिकरिंग का कलर जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव की गई है। इधर थोड़ा सा आपको मैट फिनिश दिया गया है, यहाँ पे आपको नया इन 160 का आपको यहाँ पे स्टिकरिंग दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा सिल्वर टोन के साथ। उसके साथ साथ ये कलर एक्चुअली इन 160 में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और प्राइस की अगर बात करें तो ये जो दो कलर स्कीम कंपनी लॉन्च कर रहा है, ये दोनों कलर स्कीम का प्राइस जो है, पहले आपको जो प्राइस देखने को मिला था 159,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस था, अभी भी वही सेम प्राइस पॉइंट में ये दो कलर आपको कंपनी ऑफर कर रही है। तो अभी मिलने वाला कलर वेरिएंट की अगर बात करें तो ब्लैक तो आता ही है, यहाँ पे व्हाइट आ गया, उधर आपका स्काई ब्लू आ गया, और आई गेस वो रेड और ब्लू कलर पहले जो आता था वो अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो कंफर्म नहीं हुआ है। बट यहाँ पे जो ये दो कलर स्कीम जो है अभी तक कंपनी ने वेबसाइट में भी मेंशन नहीं करा है, बट डीलर के पास जो है ये दो कलर स्कीम आ चुका है। तो मैं अभी हूँ विशाखा बजाज में, आपको अगर बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप विशाखा बजाज कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप अगर ये बैरकपुर सोदपुर के आसपास में रहते हो। बाकी यहाँ पे फीचर्स वगैरह की अगर बात करें तो वो आपको सेम देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके, मतलब बेसिकली ऑन करके मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, तो वही आपको सेम बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर विथ LED DRL आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ बल्ब ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे दिया गया है, एंड अंडरवेली एग्जॉस्ट, जिसका एग्जॉस्ट नोट ऑलरेडी आपको पता है, काफ़ी बेसिक सा एग्जॉस्ट नोट आपको पल्सर इन 160 में आपको मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बाइक का नंबर प्लेट फिट होगा, यहाँ पे आपको ये जो व्हाइट कलर दिख रहा होगा इसमें, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पर्ल इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब वो मेटालिक जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, जो ग्लिटरी इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसमें जब धूप पड़ती है तो ये काफ़ी ज़्यादा चमकती है। 37mm डायमीटर का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, मडगार्ड वगैरह जो है वो आपका सेम है, डुअल चैनल ABS के साथ आता है, 300mm का आपको यहाँ पे डिस्क मिलता है, ग्रेमिका कैलिपर के साथ 100x80 फ्रंट टायर है, 17 inches कैलर व्हील के साथ, 14 liter का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, 40 से 45 किलोमीटर का माइलेज आपको इस बाइक से मिल जाएगा, E20 फ्यूल जो ये बाइक सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। ये जो इंजन आप देख पा रहे हो ये आपका 164.82 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड 2-valve इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें अराउंड आपको 16 PS की पावर मिलती है, 14.65 Nm का टॉर्क मिलता है। नीचे में आपको यहाँ पे इंजन बेली पैन भी दिख रहा होगा, और ये है आपका ऑयल कूल इंजन, तो ऑयल कूलर सिस्टम भी आपको यहाँ पे अंदर में दिख रहा होगा। 165mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है, 795mm इस बाइक का सीट हाइट है। ओवरऑल यहाँ से आप देख पा रहे हो इसका लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को, और ये आपका स्प्लिट सीट सेटअप के साथ आता है, जिसका सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, नो डाउट। पिलियन का सीट भी काफ़ी वाइड है, स्प्लिट ग्रैब रेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, पीछे का जो टेल लाइट है वो आपको यहाँ पे फुल्ली LED मिलता है, वो भी मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। जब तक आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर रहा हो तब तक इसका जो रियर टेल लाइट है वो ऑन नहीं होता है, और उसके साथ साथ पीछे में आपको यहाँ पे मोनोशॉक मिलता है, जो आपका मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ से आप देख पा रहे हो 230mm का आपको यहाँ पे रियर डिस्क मिलता है, ग्रेमिका कैलिपर के साथ, डुअल चैनल ABS यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, बॉक्स करिंग स्विंगम है, टायर हगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 130x17 का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है, रिम के साइड पे स्टिकरिंग वगैरह भी जो है आपको यहाँ पे वो सेम देखने को मिलता है। बस ये जो कलर है, कलर में आपको यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है, बाकी जो भी चीज़ था वो एकदम सिमिलर है, वही सेमी डिजिटल बेजरलेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम वगैरह सब कुछ दिखाता है। यहाँ पे फ्यूल गेज है, यहाँ पे टाइम शो करता है, यहाँ पे आपका गियर पोजीशन इंडिकेटर, ओडोमीटर, यहाँ पे आपका सर्विस रिमाइंडर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इंस्टेंट आपको कितना फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्टेंस टू MT है, सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ ये आपका बैकलाइट स्विच पैनल वगैरह सेम दिया गया है, एक बार हॉर्न भी सुन लेते हैं, सिंगल हॉर्न है बट डेफिनेटली लाउड है। और यहाँ पे आपका मेन हेडलाइट ऑन ऑफ करने का स्विच भी देखने को मिलता है, जो आपको पल्सर इन 150 में नहीं देखने को मिलता है। वही हैंडल बार है,
काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये हैंडल बार, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। बाकी अभी तो इसका मिरर वगैरह जो है वो खुला हुआ है। बाकी आपको ये वाइट कलर पल्सर इन 160 के ऊपर कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। आपका क्या राय है, ये वाइट कलर इन 150 में ही बेहतर था कि इन 160 में भी ये वाइट कलर देना चाहिए था, आप लोगों को क्या राय है वो आप जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। बाकी ये आपका 5-speed गियरबॉक्स के साथ आता है, 2 shifter आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपका साइज 10 इंजन कटअप सेंसर देखने को मिलता है, इधर आपका यहाँ पे फुल्ली ओपन चेन है, बाकी सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलता है, प्राइस भी सेम है और इसका क्लच भी बहुत ज़्यादा लाइट क्लच यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी आपको ये वाइट कलर अच्छा लगा कि आपको ये पोलर स्काई ब्लैक कलर अच्छा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे, टाटा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।